सो रियलमी एक्स थी मुझे यूज़ करते हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, और यहाँ पर मैं अपना फाइनल रिव्यू देने वाला हूँ कि क्यों ये फ़ोन अच्छा है और क्या क्या कमी आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगी। हालांकि फ़ोन काफ़ी अच्छा है, आप अगर लुक वाइज देखते हो तो आपको डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। 6.4 इंच की फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले दी हुई है, तो एमोलेड कलर्स आपको पता है कि IPS पैनल से काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप कोई फ़ोन खरीदने जा रहे हो इस प्राइस रेंज में, तो शायद अब तक सैमसंग भी शायद आपको एमोलेड डिस्प्ले देता है, बट रेडमी नोट 8 प्रो में आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है, कलर एक्यूरेसी वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। आप कोई भी वीडियो वगैरह फोटो वगैरह भी देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छे व्यूइंग एंगल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो मतलब कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा इस चीज़ को लेकर। और यहाँ पर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी सिंपल सी मिनिमलिस्टिक सी डिज़ाइन दी हुई है। पीछे क्वाड कैमरा का यहाँ पर लेंस दिया हुआ, बट यहाँ बम्प भी है, मतलब हल्का सा अगर आप फोन को विदाउट ए कवर यूज़ करते हो तो थोड़ा सा फ़ोन मतलब स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब इस तरीके से यहाँ पे इशू हो सकता है। और यहाँ पे दो डुअल बटन दिए हुए हैं जो कि वॉल्यूम बटन से, यहाँ पे मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। और यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है जो कि हल्का सा टेक्सचर डिज़ाइन में आता है, मतलब यहाँ पे येलो सी ब्रांडिंग दी गई है, मतलब रियलमी के लोगों की तरह। तो ओवरऑल फ़ोन डिस्प्ले वाइज काफ़ी अच्छा है और डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है। फ़ोन के फ्रंट और बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और इवन अगर आप विदाउट ए कवर फ़ोन को यूज़ करते हो तो काफ़ी रेयर चांस होंगे फ़ोन के स्क्रैच वगैरह होने में, कोई भी इश्यू आपको क्रिएट नहीं होगा। फ़ोन में कुछ 4 कैमरा दिए हुए हैं, 64+8+2+2। तो कैमरे की बात करें तो मुझे ओवरऑल कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी अगर आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो। डिटेलिंग के मामले में काफ़ी अच्छे, नाइट में अगर आप सेल्फी वगैरह लेते हो तो काफ़ी अच्छी सेल्फी आपको देखने को मिलती है, कोई भी इश्यू आपको क्रिएट नहीं होगा। मतलब किसी भी कंडीशन में आप फ़ोन में फोटोज़ वगैरह लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छी डिटेल, हालांकि ये हल्की सी येलोइश स्किन टोन देखने को मिलती है, बट डिटेलिंग में आपको कहीं भी कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। इन कंपेयर टू अगर आप फोटो लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छी डिटेल देखने को मिलती है, बट हल्का सा येलोइश इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, तो ये भी एक इशू है। सेल्फी वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा, और यहाँ पे गूगल कैमरा से आप सेल्फी वगैरह ले सकते हो। तो कैमरे के मामले में मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी, और यहाँ पे भी आप कुछ फोटोज़ मैंने ली हुई है तो डिटेलिंग के मामले में कोई भी इशू जनरेट नहीं होगा। डायनेमिक रेंज की अगर हम बात करें तो डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छी है, मतलब स्काई वगैरह काफ़ी अच्छा कैप्चर कर लेता है। इन कम्पेयर टू रेडमी नोट 8 प्रो, डायनेमिक रेंज इसकी रियलमी एक्स थी की थोड़ी ज़्यादा बेटर है। और नाइट में भी अगर आप फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हो तो शायद नाइट में आपको काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ्स देखने को मिलेगी। इस फोन में मुझे एक इशू क्रिएट होता है कि मैं फ़ोन को मान लीजिए आप ऐसा पकड़ते हो तो कई बार दोनों साइड से बटन प्रेस हो जाते हैं और सिंपली इंस्टेंटली इसमें स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बटन से यहाँ पर दिए हुए हैं और पावर बटन यहाँ पर दिया हुआ, तो सिंपली आप ऐसे होल्ड करके रखते हो तो उस टाइम में भी आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाने का डर रहता है। फ्रंट में भी कैमरे की बात करें तो फ्रंट का कैमरा 16 MP का दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, और इवन यहाँ पे ये भी है कि आपको फ्रंट में EIS दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। तो आप फ़ोन को यूज़ करते हो, मान लीजिए किसी भी सर्टन कंडीशन में आप व्लॉगिंग वगैरह भी कर रहे हो तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा चीज़ देखने को मिलेगी कि स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। फोन में भी नई अपडेट आई है, उसके दौरान आप इसमें वाइड एंगल में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। ये वाइड एंगल में वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर है और ये विदाउट ए वाइड एंगल है, तो वाइड एंगल में आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा क्रिएट। और सिस्टम वाइज इसमें डार्क मोड दे दिया गया है, तो डार्क मोड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। डेली टू डेली लाइफ की बात करूँ तो इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 712 मुझे Z90T से ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मैं गेमिंग वगैरह इतनी करता नहीं हूँ, बट गेमिंग में भी ठीक है। बट अगर आप रियलिस्टिक में मल्टीटास्किंग करते हो, मान लीजिए काइन मास्टर से एडिटिंग कर रहे हो, फिल्मोरा से एडिटिंग कर रहे हो, या कोई भी ऐसा यूजर जो CPU पर डिपेंड करता है, वो रियलमी एक्स टी ज़्यादा बेटर करता है रेडमी नोट 8 प्रो से। इवन वीडियो एडिटिंग की भी अगर बात करते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेता है। सनलाइट विजिबिलिटी की बात करोगे तो सनलाइट में विजिबिलिटी डिस्प्ले की काफ़ी अच्छी है, कोई भी इशू आपको सनलाइट विजिबिलिटी में क्रिएट नहीं होगा। हीटिंग की बात करो तो फ़ोन कभी भी हीट नहीं करता है, इवन चार्जिंग के दौरान भी हीट नहीं करता है। हल्की फुल्की कभी कभी हीटिंग लग सकती है, बट इतना हीट नहीं करता जितना नोट 8 प्रो या फिर M30S या फिर नोकिया कोई सा ही फ़ोन करता है, जितना हीट कभी भी नहीं करता। इवन चार्जिंग के दौरान ये फ़ोन हीट नहीं करता। रियलमी की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मुझे ये अच्छी लगती है जो कि वूक चार्जिंग 3.0, जो कि आपका फ़ोन तकरीबन 1 घंटे और 20 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे 30 मिनट में चार्जिंग फुल कर देगा 4000 mAh की बैटरी, और आधे घंटे में तकरीबन 50% बैटरी आपकी फुल कर देगा। मतलब आपको कहीं भी, मतलब आप ऐसा इंसान हो जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो फ़ोन पर, लाइक अनलाइक सैमसंग M30S, अनलाइक रेडमी नोट 8 प्रो, इसमें भी 2.5 घंटे लगते हैं, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं,
बट इस फोन में आपको 4000 mAh की बैटरी तकरीबन मान लीजिए आपको 1 घंटे 20 मिनट में फुल कर देगी। मतलब इवन इस चार्जर की फैसिलिटी ये भी है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो आपके फोन में तो आपको मल्टीटास्किंग कीजिए, गेम खेलिए, कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा और आपका फोन जल्दी से चार्ज जाएगा, उस दौरान हीट भी नहीं करेगा। कई लोगों ने देखना होगा, देखा होगा कि यहाँ पे आप अगर आप फोन चार्ज करते रहते हो तो वहाँ पे उस टाइम फोन हीट करता है और उस टाइम आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ मुझे रियलमी काफ़ी अच्छी लगी। 4000 mAh की बैटरी दी हुई है, डोल्बी एटमोस का फीचर दिया हुआ है, टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है, हेडफोन जैक दिया हुआ है और यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है। स्पीकर का आउटपुट काफ़ी अच्छा है, नोट 7 प्रो, M30s तीनों से अच्छा है। सबसे अच्छा आउटपुट आपको इसी में देखने को मिलेगा। और ऊपर की साइड में नॉइज कैंसिलेशन माइक दिया हुआ है और यहाँ पे कलर ओएस दिया हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी ड्रॉबैक पॉइंट लगता है रियलमी का। अगर रियलमी इस चीज़ को सुधार दे, नियर स्टोक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस देने वाली है, दे दे तो काफ़ी बेटर रहेगा। फिर मैं कह सकता हूँ कि शायद रियलमी फ़ोन के मामले में अच्छी है। रियलमी X2 Pro भी इंडिया में आने वाला है और उसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी 30 मिनट में फुल कर देने वाली टेक्नोलॉजी, और मैं रियली एक्साइटमेंट में मतलब एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। फ़ोन आपको एंड्रॉयड 9.0 दिया हुआ है और फ़ोन आपको कलर वॉच दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बिगड़ा हुआ सा सॉफ्टवेयर है। और फ़ोन आपको 4GB 64GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 16,000 रुपये की कीमत में आता है, और मेमोरी कार्ड आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो, यहीं से कोई भी इशू नहीं होगा। और ओवरऑल मुझे फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा, मतलब 20 वोल्ट का चार्जर दिया हुआ है इसके साथ में, तो कोई भी इशू क्रिएट नहीं होता है। कुछ कुछ इशू अगर आप देखते हो तो कभी कभी ओवर सेचुरेशन कर देता है फ़ोटोज़ में, बट ओवर सेचुरेशन मल्टीमीडिया या मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे ली थी वो भी काफ़ी अच्छी आ रही थी, दीपावली दिन जो ली थी फ़ोटोज़ वो काफ़ी अच्छी आ रही है। और इवन आप कोई भी फ़ोटो अगर आप इसमें कैप्चर करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब स्लाइटली कभी कभी कलर ओवर सेचुरेटेड हो सकते हैं, बट आपको वो फ़ोटो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। अगर आप डिटेलिंग की बात करते हो तो डिटेलिंग भी वगैरह अच्छी आती है। और आप इसमें नोट 8 प्रो या फिर उसका रिव्यू जो मैंने किया है वो भी आप जाकर देख सकते हो, सेल्फीज वगैरह भी आप देख सकते हो, काफ़ी क्लियर एंड क्रिस्प आती है, कोई भी डिटेलिंग की मिसिंग नहीं होती है, अच्छा काम कर रहा है फ़ोन। अब अगर आप लोग मुझे पूछते हो कि Redmi Note 8 Pro लें या फिर XT लें, तो यहाँ पर मैं क्लियरली कहना चाहूँगा कि अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चाहिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है और काफ़ी एक्यूरेट है, कभी भी मिस नहीं करता है काफ़ी अच्छे तरीके, हालांकि कल हल्के फुल्के गीले हाथ हो जाएँ तब हल्का सा मिस कर सकता है, बट विदाउट ए सेकेंड थॉट आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो बैटरी मुझे एक दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाता है, भले मैं हॉटस्पॉट ऑन रखूँ बट फ़ोन कभी भी हीट नहीं होता है, बहुत कम चांसेज होते हैं फ़ोन कभी हीट हो। सबसे कूलेस्ट फ़ोन देखा है जो कि मैंने इस प्राइस रेंज में देखा है, जो कि कभी हीट नहीं होता है, कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा और काफ़ी सॉलिड फीलिंग आएगी आपको। अनलाइक Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा चौड़ा भी है, तो आपको होल्ड करने में दिक्कत होगी, बट Note 8 Pro से अच्छा होल्डिंग में एक्सपीरियंस आपका इसका रह सकता है। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया गया है, बट Note 8 Pro का वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, सारा वेट आगे की साइड में किया हुआ है। तो ओवरऑल मैं रिकमेंड ये करता हूँ 16,000 रुपये कीमत में शायद ये एक बेस्ट फ़ोन है जो कि रियलमी की तरफ से यहाँ पे आता है। और ओवरऑल मुझे कोई भी इश्यू नहीं लगा इस फ़ोन में और परफेक्टली वर्क कर रहा है रियलमी के फ़ोन में। Realme 3 Pro, Realme XT भी ऑलरेडी यूज़ किया हुआ और एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। ये कोई पेड वीडियो या फिर बायस्ड वीडियो नहीं है, बट जो रियल एक्सपीरियंस है उसी की बात कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड्रॉयड को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, मतलब मल्टीटास्किंग को लेकर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हो। और सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।